हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, अगर आप ट्वेल्थ में हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आंसर के साथ पढ़ेंगे, यानी कि हम क्लास 12 केमिस्ट्री के 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे। तो देखिए, जो ये क्वेश्चंस है वो मैंने केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के क्वेश्चंस को इस वीडियो में लिया है, यानी कि इस वीडियो में आपको चैप्टर 1 ठोस अवस्था, चैप्टर 2 विलयन, चैप्टर 3 वैद्युत रसायन, चैप्टर 4 रासायनिक बलगति और चैप्टर 5 जो आपका है, ठीक है, पृष्ठ रसायन, इन 5 चैप्टर से मैंने 25 क्वेश्चन इस वीडियो में लिया है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में लिया है वो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन मैं आपको एक ही वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहें ताकि एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे फर्स्ट चैप्टर से है जिसका नाम है ठोस अवस्था, ठीक है, इंग्लिश में सॉलिड स्टेट। देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। देखिए, अगर आपको क्वेश्चंस पता भी हैं तब भी आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जो क्वेश्चन आपको नहीं पता है वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो बताइए इनमें से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। ए है NaCl, बी है KCl, सी है Na2SO4, डी है ये सभी, यानी कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और ये सभी। तो देखिए इनमें से जो आपका ये चारों जो है, ये तीनों जो है क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है, यानी कि NaCl भी क्रिस्टलीय ठोस है, KCl भी है और Na2SO4 भी है। इसका मतलब होगा आपका डी ऑप्शन राइट होगा, यानी कि ए सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी चैप्टर से है, FCC संरचना में प्रत्येक कण के चारों ओर निकटतम कणों की संख्या कितनी होती है। देखिए, जो FCC संरचना होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, ठीक है, इसके प्रत्येक कण के चारों ओर निकटतम कणों की संख्या कितनी होती है। ए है 6, बी है 12, सी है 5, डी है 10। तो देखिए FCC संरचना में प्रत्येक कण के चारों ओर निकटतम कणों की संख्या 12 होगी क्योंकि इसकी समन्वय संख्या 12 होती है, ठीक है। अगर समन्वय संख्या 12 होगी तो कणों की संख्या भी 12 होगा, ठीक है, यानी कि 12 आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारे सेकंड चैप्टर विलयन से है। क्वेश्चन है कि विलयन होता है, जो विलयन है ये किस प्रकार का मिश्रण होता है। ए है समांगी मिश्रण, बी है विषमांगी मिश्रण, सी है संगत मिश्रण, डी है असंगत मिश्रण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समांगी मिश्रण। देखिए, जो विलयन होता है ये एक समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, विलयन के मुख्य घटक कहलाते हैं, यानी कि इनमें से कौन से विलयन के मुख्य घटक हैं। तो मैंने आपको बताया था विलयन जो है दो चीजों से मिलकर बना है। पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, ए है केवल विलेय, बी है केवल विलायक, सी है विलेय प्लस विलेय एवं विलायक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो विलयन होता है वो विलेय एवं विलायक दोनों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो विलयन के जो मुख्य घटक होते हैं, घटक का मतलब जिनसे मिलकर विलयन का निर्माण होता है, तो विलेय और विलायक से मिलकर विलयन का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है कि विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है क्या कहलाता है। देखिए, मैंने आपको बताया विलयन दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक विलेय और एक विलायक। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विलयन का वह घटक, इन दोनों में से कौन सा घटक है जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है। तो बताइए कौन सा है, ए है विलायक, बी है विलेय, सी है विलयन, डी है ये सभी। तो देखिए, जो विलेय होता है इसकी मात्रा विलयन में कम होती है, ठीक है। जैसे आप ले लीजिए, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे आपने चीनी ले लिया प्लस पानी ले लिया, इन दोनों को हमने मिलाया आपस में तो क्या बना, शरबत बना, ठीक है। अब शरबत बना तो शरबत तो विलयन हो गया, चीनी आपका क्या है, चीनी है विलेय, ठीक है, और पानी क्या है, विलायक है। तो देखिए, जब आप ज्यादा पानी लेंगे और चीनी कम लेंगे तभी आपका शरबत बनेगा, ठीक है। तो चीनी की मात्रा कम लेंगे तो यानी कि विलेय के रूप में हम यहां पर चीनी का यूज करेंगे, ठीक है। तो चीनी की मात्रा कम होगी तभी तो शरबत बनेगा। अगर मान लीजिए आप चीनी ज्यादा डाल दें, पानी ना हो उसमें, तो चीनी ही चीनी दिखाई देगा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। तो इसका मतलब है कि विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है, विलायक की मात्रा ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर कि मुख्यतः ताप में वृद्धि करने पर गैसों के द्रव में विलयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर आप टेम्परेचर में वृद्धि करते हैं, ताप में वृद्धि करते हैं, तो गैस की द्रव में विलयता, यानी कि किसी द्रव में गैस कितना घुलता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है।
ए है विलयता घटती है, बी है विलयता बढ़ती है, सी है विलयता अपरिवर्तित रहती है और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विलयता घटती है। देखिए अगर आप ताप में वृद्धि कर रहे हैं तो गैस की द्रव में विलयता घटती है, ठीक है, घट जाएगी। समझ में आया? क्योंकि क्यों घट जाएगी बताइए। मान लीजिए आपने यहां पर एक पात्र में पानी ले लिया, चलिए एक एग्जांपल समझते हैं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए इसमें मैंने क्या ले लिया, इसमें मैंने पानी ले लिया, ठीक है। अब इसमें गैसेस है, देखिए गैसेस है, ये गैस मान लीजिए, ठीक है। अब ऐसे आप लोग हैं, अब इस प्रकार से है तो क्या होगा, ये गैस ज्यादा से ज्यादा इस द्रव में घुले रहेंगे। अब मान लीजिए आपने नीचे से आग लगा दिया, टेम्परेचर इसे दे दिया, तो क्या होगा, जो गैस है वो भाप की बनकर उड़ जाएगा, भाप बनकर उड़ने लगेगा। तो गैस की द्रव में विलयता, विलयता का मतलब गैस द्रव में कितना घुलता है। तो देखिए गैस की द्रव में घुलने की क्षमता जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो गैस है वो भाप बनकर उड़ जाएगा, ठीक है। तो वही यहां पर पूछा गया था। देखिए अब देखिए सेवन क्वेश्चन हमारा है, आसुत या शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, यानी कि जो शुद्ध जल होता है उसकी मोलरता कितनी होती है। ए है 50.5, 55.56, बी है 18, सी है 49.87, डी है 81, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 55.56। शुद्ध जल की मोलरता 55.56 होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आठवां क्वेश्चन, राउल्ट का नियम संबंधित है, जो राउल्ट का नियम है ये किससे संबंधित है। ए है क्वथनांक से, बी है हिमांक से, सी है वाष्प दाब से, डी है परासरण दाब से। तो देखिए जो राउल्ट का नियम है वो संबंधित है वाष्प दाब से, ठीक है, वाष्प दाब से संबंधित राउल्ट ने अपना नियम दिया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नाइन नंबर, निम्नलिखित में से आदर्श विलयन का उदाहरण है, बताइए इनमें से कौन सा उदाहरण है जो कि आदर्श विलयन का उदाहरण है, ठीक है, जो राउल्ट के नियम का, आदर्श का नियम, आदर्श विलयन किसे कहते हैं, आदर्श विलयन, देखिए जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं जो विलयन वो आदर्श विलयन कहलाते हैं। ए है मेथेनॉल प्लस जल, बी है एथेनॉल प्लस जल, सी है एसीटोन प्लस ईथर, डी है मेथेनॉल प्लस एथेनॉल। तो देखिए जो मेथेनॉल प्लस एथेनॉल होता है इन दोनों के मिश्रण जो है ये आदर्श विलयन है, इन दोनों का मिश्रण जो है आदर्श विलयन है, ठीक है, बाकी ये तीनों नहीं है। समझ में आया? तो इसमें से यही उदाहरण होगा आदर्श विलयन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है, जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक कितना होता है। ए है 1.86 केल्विन मोललता इनवर्स, बी है 526 केल्विन मोललता इनवर्स, सी है 55.5 केल्विन मोललता, डी है 0.52 केल्विन मोललता इनवर्स। तो देखिए जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक जो होता है वो होता है 0.52 केल्विन मोललता इनवर्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12 नंबर, ये हमारे तीसरे चैप्टर से है जिसका नाम है विद्युत रसायन, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। देखिए प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता, जो प्रबल विद्युत अपघट्य होता है उसकी चालकता किस प्रकार से परिवर्तित होगी। ए है तनुता बढ़ाने पर थोड़ी सी बढ़ जाती है, बी है तनुता पर घटती है, सी है तनुता से परिवर्तित नहीं होती, डी है केवल विद्युत अपघट्यों के घनत्व पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तनुता से परिवर्तित नहीं होती, यानी कि प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता तनुता बढ़ाने या घटाने से परिवर्तित नहीं होती है, ठीक है। जो प्रबल विद्युत अपघट्य, तनुता का मतलब उस विद्युत अपघट्य में और पानी डाल दे और कुछ डाल दे ताकि वो तनु हो जाए विलयन, ठीक है, तो उससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी चालकता उतनी ही बनी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं, यानी कि जो अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ कौन से होते हैं जिनकी चालकता अच्छी होती है। तो देखिए ऊपर मैंने बताया कि प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता तनुता से परिवर्तित नहीं होती, यानी कि इसी की चालकता सबसे अधिक होगी। तो ए है दुर्बल विद्युत अपघट्य, बी है प्रबल विद्युत अपघट्य, सी है विद्युत अपघट्य, डी है उत्प्रेरक। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रबल विद्युत अपघट्य। देखिए अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ जो होते हैं वो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, ना कि दुर्बल विद्युत अपघट्य, ना विद्युत अपघट्य, ना उत्प्रेरक, ठीक है। जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं वे अच्छे चालकत्व वाले पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विशिष्ट चालकता की इकाई है, विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है। ए है सेंटीमीटर की पावर -2 ओम इनवर्स, बी है सेंटीमीटर ओम इनवर्स तुल्यांक इनवर्स, सी है सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स, डी है सेंटीमीटर के पावर -2 ओम। तो देखिए विशिष्ट चालकता की इकाई होती है सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स, ठीक है, ये होता है। या आप इसे ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये उल्टा भी आप लिख सकते हैं, क्या
ओम इनवर्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या आप ओम इनवर्स मीटर फॉर इनवर्स लिख दीजिए, या आप ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोड हो चाहे वो एनोड हो या कैथोड हो, उसका इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है। ए है धातु की प्रकृति पर, यानी कि धातु कैसा है। बी है विलयन के ताप पर। सी है विलयन की मोलरता पर। और डी है उपरोक्त सभी पर। तो देखिए किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव इन सभी पर निर्भर करता है। वो धातु की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, विलयन के ताप पर भी निर्भर करता है, विलयन की मोलरता पर भी निर्भर करता है, यानी कि इन सभी पर, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रबल अपचायक है, इनमें से कौन सा मेटल जो है प्रबल अपचायक है। ए है Li, बी है Na, सी है K, डी है Cs, यानी कि लिथियम सोडियम पोटेशियम सीजियम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लिथियम। लिथियम जो है ये प्रबल अपचायक है इन चारों में से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है नेक्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगतिकी। क्वेश्चन क्या है कि रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत। तो ए है तीव्र अभिक्रियाओं का, बी है अतिमंद अभिक्रियाओं का, सी है मंद अभिक्रियाओं का, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मंद अभिक्रियाओं का। रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत मंद अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो स्लो रिएक्शंस होती हैं उनका अध्ययन हम केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्थिर ताप पर विशिष्ट अभिक्रिया वेग निर्भर अभिक्रिया वेग रहता है, यानी कि स्थिर ताप पर विशिष्ट अभिक्रिया वेग रहता है किस प्रकार। ए है अस्थिर, बी है स्थिर, सी है शून्य, डी है ये सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्थिर, यानी कि स्थिर ताप पर विशिष्ट अभिक्रिया वेग स्थिर रहता है, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि शून्य कोट की अभिक्रिया की दर नियतांक का मात्रक है, यानी कि शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ए है लीटर सेकेंड इनवर्स, बी है लीटर मोल इनवर्स सेकेंड, सी है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, डी है मोल सेकेंड इनवर्स। तो देखिए शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो मात्रक होगा या दर नियतांक का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्धायुकाल में क्या संबंध है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है इसके लिए वेग स्थिरांक और अर्धायुकाल टी हाफ में क्या संबंध होता है। तो देखिए टी हाफ है अर्धायुकाल, के है वेग स्थिरांक, तो ऑप्शन नंबर ए है टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपान के, बी है के इक्वल टू टी हाफ अपान 0.693, सी है टी हाफ इक्वल टू 0.693 के, और डी है टी हाफ इक्वल टू के अपान 0.693। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपान के, यानी कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और अर्धायुकाल में यही संबंध होता है। कोई भी न्यूमेरिकल आता है आप इससे आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि मान लीजिए कोई अभिक्रिया हो रही है और आप उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसके वेग पर क्या इफेक्ट होगा। ए है वेग घटता है, बी है वेग बढ़ता है, सी है वेग अपरिवर्तित रहता है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग जो है वो क्या करता है, वो बढ़ता है, ठीक है, तो वेग बढ़ता है। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे अभिक्रिया जितनी तेजी से हो रही है उससे भी ज्यादा उसका वेग हो जाएगा, वो और तेजी से संपन्न होने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर से है, पांचवें चैप्टर से, ठीक है, पृष्ठ रसायन से। देखिए पदार्थ जो ठोस सतह पर अधिशोषित होता है क्या कहलाता है, यानी कि वह पदार्थ जो ठोस सतह पर अधिशोषित होता है वो कहलाता है। ए है अधिशोष्य, बी है अधिशोषक, सी है मिसल, डी है अवशोषक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अधिशोष्य, यानी कि वह पदार्थ जो ठोस सतह पर अधिशोषित होता है वो अधिशोष्य कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि धातु द्वारा हाइड्रोजन का अधिशोषण कहलाता है, यानी कि धातु के द्वारा हाइड्रोजन का अधिशोषण क्या कहलाता है। ए है बी हाइड्रोजनीकरण, बी है हाइड्रोजनीकरण, सी है अधिधारण, और डी है अधिशोषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अधिधारण, ठीक है। धातु द्वारा हाइड्रोजन का अधिशोषण जो है वो अधिधारण कहलाता है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि डाई एथिल ईथर के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है। जो डाई एथिल ईथर होता है इसका फॉर्मूला होता है C2H5
OC2H5, ये होता है डाई एथिल ईथर। इसके निर्माण में जो जो उत्प्रेरक यूज किया जाता है कैटालिसिस, वो क्या होता है? ए है NI, बी है Al2O3, बी सी है Fe तथा MO और डी है NO। तो देखिए डाई एथिल ईथर के निर्माण में जो उत्प्रेरक हम यूज करते हैं वो Al2O3 है, इसको हम लोग एलुमिना बोलते हैं। ठीक है, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी निकाय है? जो कोहरा होता है ये किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है? ए है द्रव में गैस, बी है गैस में गैस, सी है द्रव में द्रव, डी है गैस में ठोस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैस में द्रव। देखिए कोहरा जब आप देखेंगे तो आपको एक गैस की तरह दिखेगा कि हर तरफ धुआं धुआं है, आपको गैस लगेगा। ठीक है, लेकिन उसके अंदर द्रव के कण उपस्थित होते हैं। क्यों? जब आप गाड़ी चलाते होंगे तो आप देखते होंगे कि अगर ज्यादा कोहरा है तो आपका जो हेयर है, जो बाल है, ठीक है, वो भीग जाता है। क्यों? क्योंकि गैस के अंदर द्रव मिला रहता है। कोहरा जो है ये गैस में द्रव है, यानी कि इसमें परिक्षिप्त परिक्षेपण माध्यम गैस है, परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव है। ठीक है, यानी कि गैस तो हमें लगता है, महसूस होता है, दिखता है, लेकिन द्रव हमें नहीं दिखता बट होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, कोलाइडों को शुद्ध करने की विधि है, यानी कि कोलाइड जो होते हैं उसको शुद्ध करने की विधि कौन सी है? ए है पेप्टीकरण, बी है अस्कंदन, सी है अपोहन, डी है ब्रेडिंग आर्क विधि। तो देखिए कोलाइडों को जो शुद्ध करने की विधि है वो है अपोहन। ठीक है, अपोहन जो है इसके द्वारा हम कोलाइडों को शुद्ध कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने आपको 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें।